व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये इस वक्त में हमारे मुल्क पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के सबसे मशहूर और मारूफ आयरन के डिपॉजिट में मौजूद हूँ। इस जगह को व्यूअर्स चिकन दिक कहते हैं। हमारे यहाँ स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल हो या दीगर मिल, या फिर जहाँ भी एक्सपोर्ट की बात आती हो, तो पूरे पाकिस्तान में सबसे फेहरिस्त डिपॉजिट जो आता है वो चिकन दिक का आता है, जो कि मैं इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त यहाँ डिस्ट्रिक्ट शाही में चिकन दिक में मौजूद हूँ। बस मुझे दिक्कत हो रही है कुछ आप लोगों को इस वीडियो बनाने के देने में। असल में यहाँ पर व्यूअर्स, ये साइबेरिया की बहुत तेज़ हवाएं, और इस वक्त शाम का टाइम है, कोई 5 से ऊपर का टाइम है, और टेम्परेचर इस टाइम व्यूअर्स टेम्परेचर 2 पर है इस वक्त, इनकी दर्जा आ रहा है 2 है इस वक्त। अभी कुछ ही देर में यहाँ -3, -4, -5 तक चला जाएगा। बस मैं आपको मुख्तसर सी इसकी वीडियो दिखाऊंगा, और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हाई ग्रेड आयरन किस तरह यहाँ पर जो है ना माइनिंग का जो है सिलसिला चल रहा है, और बेशुमार यहाँ पर मशीनरीज मौजूद है। ये पूरा खड्डा यहाँ मौजूद है, और महीने का कम व बेश 10,000 मेट्रिक टन आयरन यहाँ से निकाला जा रहा है, और मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ से जो है सप्लाई दी जाती है। ये देखिए, ब्लास्टिंग के लिए इन्होंने कंप्रेसर वगैरह रखे हुए हैं, ये कंप्रेसर ऑन भी है, ये कंप्रेसर ये रखा हुआ है, ये नीचे ब्लास्टिंग के लिए जो है सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए, दिन रात यहाँ पर जो है यहाँ एक्सीवेशन चल रही है। यहाँ व्यूअर्स शाम को ब्लास्ट करते हैं, और दिन के अवकात में आके सुबह आके लेबर जो है तमाम तर मटेरियल को जो है यहाँ से ग्रेडिंग करती है, और वो एक्सीवेटर के ज़रिए यहाँ से लोड होकर रवाना हो जाता है। मैं आपको तवील इसकी जो है वीडियो बनाकर व्यूअर्स माजत चाहता हूँ नहीं दे सकूँगा, क्योंकि मैंने बताया कि शदीद सर्दी है यहाँ पर, इंतहाई बर्फीली हवा जो है इस वक्त यहाँ चल रही है। बस मैं इस वीडियो को यहीं इंशाल्लाह ताला एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगा इंशाल्लाह ताला। आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद अली खान। अल्लाह हाफिज़।